जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड अर्ली मॉर्निंग। आपको पता है ब्रेक के बीच में हम लोग कुछ खाने पीने लग जाते हैं, आप लोग भी कुछ खा पी रहे होंगे। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम अडॉप्शन पे। अडॉप्शन जो हमारे माशरे में कॉमन है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लॉट ऑफ कपल्स आर ऑप्टिंग फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम कपल, जो मैंने अब एक रिसेंट ट्रेंड एक और नोटिस किया वो ये कि सिंगल मदर्स आर गोइंग फॉर इट इज वेल। बाय द वे, दे आर लेडीज़ जो यू नो जो थोड़ी सी एज में लाइक 35-40 के बीच में, दे अडॉप्ट अ बेबी, दे अडॉप्ट अ किड फॉर देयर लाइफ, या फिर जो सिंगल मेन कह सकते हैं, बैचलर्स होते हैं, इवन दे डू इट एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, सवाब कमाने के लिए भी, और किसी का फ्यूचर बन जाएगा एंड आपके घर में भी रौनक आ जाएगी। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए भी हमारे पास, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं एक साइकियाट्रिस्ट, हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे से हमें बातें समझाते हैं, डॉक्टर सैयद अजमल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बिस्किट खा रही थी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, मैं बिस्किट खा रही थी। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डॉक्टर साहब, हम आज अडॉप्शन पे बात करेंगे, लेकिन अडॉप्शन से पहले हम आपसे पोल का सवाल पूछेंगे। हमारा पोल का सवाल आपने सुन ही लिया है, हमारे पोल का सवाल है कि अगर बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जाना पड़े, और काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं, अगर आपको जाना पड़े तो आप बेबी गर्ल लेंगे या बेबी बॉय लेंगे? देखें, अगर ये डिपेंड करता है कि चॉइस पर, बाद में तो होता है कि आपको चॉइस नहीं होती, एक ही बच्चा है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन मतलब ये जो है कि अगर मुझसे आप चॉइस हाँ। लेंगे तो मैं लड़की को अडॉप्ट करना पसंद करूँगा। लड़की को अडॉप्ट, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? एक तो ये है कि यार, में आपने मुझसे सवाल किया, मेरे तो ऑलरेडी 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। तो बेटी को अडॉप्ट करने का मकसद ये होता है कि एक तो ये है कि औरत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बचपन में उसकी देखभाल करना पड़ती है, फिर उसकी शादी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये तो ये काम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना करना चाहें, अपनी औलाद के साथ तो सभी करते हैं, किसी और के साथ करना ना चाहें, तो ये करने में ज़्यादा सवाब है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। तो मुझे अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं बेटी को अडॉप्ट करना ज़्यादा करूँगा, लेकिन अगर बेटा हुआ तो बेटे को भी कर लूँगा। हाँ, अच्छा, उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं जिन्होंने कुछ पेरेंट्स से बात की हुई होती है, या बहनें आपस में कर रही होती हैं, उनमें तो जो भी है वो लेना होगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन मिल जाए बेबी बॉय या बेबी गर्ल का, सो यू विल गो फॉर बेबी गर्ल। जी जी, ठीक है जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे अडॉप्शन पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में आती है अडॉप्शन से, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, उस कपल की क्या साइकी होती है जिनके घर में बच्चा आफ्टर मल्टीपल इलाज वगैरह सबको कराने के बावजूद नहीं हो रहा होता है, काफ़ी उनके बीच में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, दो इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग, दी नहीं दी, यू नो, तो इस वक्त में कपल को कैसा फील करना चाहिए? देखिए, एडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है, इसमें एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है, और एडॉप्ट करने का दीन भी इजाज़त देता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद लोगों को मैंने बेटे दिए, बाद लोगों को मैं बेटियां देता हूँ, बाद लोगों को दोनों देता हूँ, और बाद लोगों को कुछ नहीं देता, कुछ नहीं। तो अल्लाह की तरफ से होता है, तो इंसान को अल्लाह के अहकाम को मानना पड़ता है, मानेगा नहीं तो अभी मानना पड़ता है, हर सूरत में जो अल्लाह का हुक्म है वो तो होके रहता है। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को औलाद नहीं दी है, और बाद वैसा होता है कि औलाद ना होने के लिए मियाँ बीवी में इख्तलाफात होने लगते हैं और बाद शादियाँ ख़त्म होने लगती हैं, तो उससे बेहतर यह है कि एक रिश्ते को ख़त्म करने के बजाय बच्चे को अडॉप्ट किया जाए। हाँ, लेकिन अडॉप्ट करने में देखें दो पहलू हैं, एक तो माँ बाप का और एक बच्चे का। बच्चे को जब अडॉप्ट करते हैं तो दीनी लिहाज से बच्चे को कहा जाता है कि उसको अपने बाप के नाम से पुकारा जाए, यानी बच्चे को आप अडॉप्ट करके ये ना कहें कि ये मेरा बच्चा है, और उसको उसको ये जाहिर करें कि हमारी अपनी औलाद है, क्योंकि जब वो बड़ा हो गया कभी भी उसको पता चलता है तो उसके लिए बेइंतहा ट्रॉमेटिक होता है, कि सडनली अगर हम ये सोचें अपने मुताले कि हमें खुदा ना खास्ता आज ही पता चले कि हमारे माँ बाप असली नहीं थे, तो हमको उसका बेइंतहा अफसोस होगा। इस लिहाज से कि हमसे झूठ बोला गया। देखें, आदमी को अपनी आइडेंटिटी की बड़ी वैल्यू होती है, और आपको फिर तो आपको और ज्यादा हम्बल हो जाना चाहिए। नहीं, हम्बल होना एक अलग बात है, देखिए ये मेरे नहीं है, उन्होंने मेरे लिए इतना हाँ, किया है। इसके दो नतीजे निकलते हैं। हाँ। एक तो अगर बच्चे की परवरिश बिल्कुल सही हो, घर में अच्छे माहौल में पाला गया हो,
और उसको जब पता चले तो उसको फिर हैंडल सही किया गया। जैसे ना कोई हादसा होता है ना जिंदगी में, तो उस हादसे को हैंडल करना पड़ता है साइकोलॉजिकली। ये एक हादसा होता है, किसी को पता चले बड़े होने के बाद उसके माँ बाप जिनके पास सारी ज़िंदगी वो रहा है वो नहीं है, तो पहला सवाल ये आता है कि मेरे माँ बाप कौन है। बहुत से लोग उन माँ बाप को ढूंढने निकल जाते हैं, यानी बहुत सारे उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हमारे माँ वैसे माँ बाप की साइकोलॉजी की, और बच्चे बड़े होने के बाद उसकी साइकोलॉजी, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। वो कहता है मेरे असल माँ बाप कौन थे, कहाँ हैं, मेरे माँ बाप किधर हैं। जब वो कुरान शरीफ पढ़ता है तो माँ बाप की बड़ी फजीलत बयान की गई है, और उन माँ बाप की फजीलत बयान की है जो उन्होंने उनको पैदा किया है, तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। जो उन्होंने परवरिश की उसकी अलग फजीलत है, तो वो एक समझ लें कन्फ्यूजन में आ जाता है। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो दीन का तरीका है वो ये है कि बच्चे को बताना चाहिए, लेकिन बच्चे को बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम तो देखते हैं लोगों को जो नहीं बताते उनको बड़े मसाइल होते हैं बाद में, जो बता देते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और बच्चे बल्कि बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। क्योंकि माँ बाप देखें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आप देखें नाना नानी के पास रहते हैं, बहुत से बच्चे अपनी खालाओं के पास रहते हैं, माँ बाप बाहर होते हैं, बच्चे यहाँ रह रहे होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको पता होता है। लेकिन मेरे भाई से एक साइकेट्रिस्ट के मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिन लोगों को बाद में पता चलता है उन लोगों को बहुत ट्रॉमा होता है, और उसको फिर पूरा हैंडल करना पड़ जाता है। उनको ट्रॉमा इस पॉइंट पे होता है कि दे बीन लाइक टू वन, और दूसरा कि उनको उनके रियल पेरेंट्स नहीं अगर नहीं पता होते तो उनको एक तश्वीश होती है कि मेरे माँ बाप कहाँ थे। बार दफ़ा लोग ट्रेस करने चले जाते हैं, यतीम खाने चले जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कि असल माँ बाप हमारे कौन थे। बाल लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है, वो इस पर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान हाँ, रहते तो हैं। दोनों पहलू हैं। अब पहलू ये है कि इसका सर ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरह आप कब ब्रॉट अप हुआ है। हाँ, मतलब किस माहौल में आपका ब्रॉट अप हुआ है। अगर वो बच्चा अपने उस माहौल में बहुत खुश है, एडजस्टेड है, और उसके पेरेंट्स उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो प्रॉब्ली इस तरह की जेपडी में ना पड़ेगा कि वो जाए और ढूंढे और ये करे। फिर भी लोग करने लगते हैं। देखिए सबसे बड़ा एतराज लोगों को जो होता है ना बच्चों को बड़े होने के बाद, क्योंकि हमारे पास बहुत हैं एडॉप्टेड, अपर क्लास के भी हैं, मिडिल क्लास के लोग, हर क्लास के लोग हैं। ऐसे एडॉप्टेड बच्चे मैंने देखे हैं जो कि जिनके के माँ बाप का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उन लोगों पर ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट पड़ता है जब आप उनसे बैठ के बात करते हैं ना तफसील से, क्योंकि ये इंसान अपने आप को नामुकम्मल समझता है अगर उसको अपनी आइडेंटिटी का ना पता हो, कुदरती तौर है। तो दोनों पहलू हैं। तो एडॉप्शन करना तो बहुत अच्छा है। अच्छा दूसरा ये कि एडॉप्टेड चाइल्ड की आपकी विरासत नहीं है, अगर आपके चार बच्चे हैं आप एक और विरासत बिल्कुल नहीं है। तो दीन के जो अहकामात पे चलने में हमेशा फ़ायदा, क्योंकि जितना अल्लाह ताला हमारे हमारी नफ्सियात से वाकिफ़ है इतना कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा खालिक है। तो जो अहकामात अल्लाह ताला ने फरमाए हैं उसमें अमल करने में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है। अच्छा सर हम उस बच्चे की अब साइकी पे बात करते हैं जो कि अडॉप्ट हुआ है। ठीक है। अब बच्चे को हमने शुरू में ही बता दिया कि मतलब इन अ सेंस के सबसे पहले तो ये बताना भी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी राइट एज है जहाँ बच्चे को बताया जाए, यू नो। उस पर भी हम बात करते हैं उस राइट एज पे। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, पहले वो अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, नान बात कर रहा हूँ लाहौर से। गुड हेल्दी मॉर्निंग नान, कैसे हैं आप? ये लग सकता है आप से। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या फरमाएंगे आज? आज बड़ा अच्छा टॉपिक है आज भी, तो सवाल तो बहुत सारे, पता नहीं आप कितनों की इजाजत देंगे। सब कर लें, सब कर सब कर लें। अच्छा पहले पहले एक तो ये मैं इनकी डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि वाकई बच्चे को बता देना चाहिए, और बड़ा शॉकिंग होता है उसके लिए। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो बाद में पता लगा और बड़े मुतनफर हो गए वालदैन से। अगर पहले से बता दें तो उसको एडजस्ट कर लेता है और उसको समझ लेता है, समझ लेता है। बल्कि मैंने जी मैंने अपनी मेरी खाला ने अडॉप्ट की है बच्ची, उन्होंने शुरू से उसको वहाँ अमरीका में कवानी नहीं ऐसे हैं कि उसको नाम बताता पड़ता है मेरा ख्याल है, बल्कि उन्होंने उसको जो है ना बताया तो वो कभी बहुत अच्छी तरह से उनके साथ रह रही है। और उसको बल्कि यहाँ पे मौका मिला था कि वापस अपने वालदैन के पास आए तो उसने नहीं, उसने कहा नहीं मैं तो इनके पास ही रहूंगी, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। ah, that's sweet. Okay, that's very nice. अच्छा और दूसरी छोटी सी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि बार दफा ये होता है कि पहले तो औलाद नहीं होती, फिर जब कहीं एडॉप्शन हो जाती है तो उसके बाद औलाद हो जाती है। ये भी एक पॉइंट है, ये कोई काफी लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो फिर उस जब हो जाती है जो भी वजह हो अल्लाह ताला की तरफ से, तो अब उस सूरत में फिर ये कोई क्लैश या फिर उसके साथ मोहब्बत में कमी आ जाना, इस सिलसिले को फिर कैसे टैकल करना चाहिए? चले ठीक है। अच्छा और एक छोटी सी बात और थी, वो खैर इनसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आइंदा आप डॉक्टर वो गायनेकोलॉजी वाली आए तो उनसे आप हाँ, हाँ, पूछे पूछे क्योंकि हमारे एक जैसे मेरे एक दोस्त हैं उनके वो है, उनको नशे की आदत पड़ी हुई बड़ी मुश्किल से, उनको
कोशिश कर रहे हैं कि नशे छूट जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं छूटे उनसे ना, अच्छा। उनके यहाँ अबॉर्शन बहुत हो रही है। तो क्या ये कि मेल साइड से भी कोई इसका इम्पैक्ट होता है या कसूरवार होता है इस मामले में? अच्छा, यानी वाइफ कंसीव कर लेती है उनकी, वाइफ कंसीव करके अबॉर्शन हो जाती है उनकी, कंसीव करके बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, मतलब इसमें मेल पार्ट जो है वो कहीं दैट इज बीन डन, दैट इज बीन डन, मतलब मेल की तरफ से तो हम नहीं, शायद कुछ नहीं होता। अच्छा जी, लेकिन हम ये बात और करेंगे कि शायद कोई और चीज़ उसमें हो, कोई और एस्पेक्ट इसमें हो। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी सर, हाँ इन्होंने भी एक एग्जांपल कोट की कि किस तरह उस बच्ची को अडॉप्ट करके रखा हुआ, इतना वो अटैच है कि शी डजंट वांट टू गो बैक टू हर पेरेंट्स एक्चुअली। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो दीन के तरीके हैं ना वो लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं, और मेरा अपना तजुर्बा यही है कि जो लोग बता देते हैं वो नहीं रहते, और जो नहीं बताते उसमें वो ट्रॉमेटिक फेज आता है, वो ट्रॉमेटिक फेज से आप निकाल दें। के मारे भी तो नहीं बताते, नहीं ये गलत डर है, बिल्कुल गलत डर है, जो हकीकत है वो बताना ज़रूरी है। ये बच्चे का राइट है, देखिए ये बच्चे का राइट है, आप अपने आप को खुश रखने के लिए बच्चे का राइट उससे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, उसकी आइडेंटिटी उससे नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो उनका सवाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मेरे पास कई ऐसे हैं फैमिलीज मैं जिनको जानता हूँ जिनके यहाँ के अडॉप्ट करने के बाद बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा नहीं बल्कि बच्चे पैदा होने हाँ। शुरू हो गए। तो अब यह है कि देखें, अगर आपने शुरू से सही इसको हैंडल किया हुआ है, उसको पता है कि भाई आप मेरी औलाद नहीं, लेकिन आपने मेरे पास हमारे पास रह रहे हैं, और आपने उसको तमाम प्रोटेक्शन दी हुई, और आपके बच्चे तो वो उसको फिर अपने छोटे भाइयों की तरह और अपने कजन की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन बड़े होने के बाद उसको पता चला मैं नहीं हूँ और ये हैं, और सारी ज़िंदगी वो समझता रहा मैं हूँ, तो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे, क्योंकि विरासत में वो हिस्सेदार नहीं है, आप उसको विरासत में दे ही नहीं सकते, हाँ। दीनी तौर पे आप दे ही नहीं सकते, तो जब आप विरासत में दे सकते तो कभी ना कभी तो उसको पता चलेगा ना। At one point in his or her life, he has to know. अच्छा, मैं पास एक कॉल है, डॉक्टर साहब अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्थी मॉर्निंग, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। ये कि मैं डॉक्टर जो की मैं बात सुनती हूँ हर दफा, शुक्र अल्लाह का ये काफी समय में आता है। ये मेरे बेटे की 7 हफ्तों से ना इसके जेनी कुतमाल सही नहीं है, और वो दूसरा मेनपुरी और गुटखा का बहुत खाता है, बहुत मना करा है, और वो बाजार मगर फिर वही शुरू कर देता है, महीना भर गुजरेगा फिर वो खाना शुरू कर लेगा। अभी तो एक महीना पहले उसने टाइफून पी लिया था, जुमा पड़ गया था, उसने 1.5 बोतल टाइफून पी ली, कि कहता है कि मेरे को अंदर से आवाजें आती हैं, कह रहे हैं वो फोन टेलीफोन पी लो तुम सही हो जाओगे, और दूसरा उसका दिमाग ये कहता है कि मेरी आवाजें आ रही हैं इधर से, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, और बस वो काफी बेहोश पड़ा है किस्म का दवाइयां गोलियां खा के। तो बस अब ये मैं आपसे इलाज कराना चाह रही थी, मैं तो तंग आ गए, कादाबाद नफसियाती अस्पताल में जवाब दे रहा, कंगाल हो गए हैं इलाज करवा करा के, आपसे मिलना चाह रहे हैं तो आप बता दें जरा पता की कैसे। आपके बेटे की एज क्या है? उसकी है 27 साल तकरीब। 27 साल का लड़का है, अल्लाह। एजुकेशन वगैरह उसने की है अपनी, कोई पढ़ाई शढ़ाई की है उसने? उन्हें 12 पढ़ी है, डिप्लोमा करा हुआ है इसमें, इसमें ये इलेक्ट्रिकल में मगर काम भी करा उसने, 3-4 साल काम किया है ये अपना लांडी में, उसमें वहीं तो कुछ इसको पता नहीं क्या लत पड़ी, क्या उसको दिमाग में कुछ हुआ, वहीं 5-6 साल करा उसी, उसके बाद ये 7 बार को छोड़ दिया। अब तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि दिन ब दिन गिर रहा है उसका, और ना हो उसको बेचारे को ना भूख लग रही है ना नींद आ रही है, गोलियों से भी गुनूत की हो बेचारी बहुत परेशान। आप इसे किसी रिहैब सेंटर लेके गई, किसी ऐसे के पास लेके गई जिसने इसको वापस रिवर्स किया हो, ठीक किया हो, गई किसी डॉक्टर के पास? जैसे जिना में गए थे वहाँ कितनी दफा, 2-3 साल वहाँ करवाया, मगर ये वक्ती तौर 1-2 दिन में आराम आ गया, फिर वही सब, फिर वो कादाबाद में कराची नफसियात अस्पताल में डॉक्टर मबीन नाम के उनका एक क्लिनिक खुली है, तो वहाँ भी अभी करीब 7-8 महीने से करवा रहे हैं इलाज। चलिए, हफ्ते के हफ्ते हम आपको बता रहे हैं ठीक है जी। जरा नंबर भी बताइएगा इनका, मैं यहाँ इनको दिखाना चाहूँ, कंट्रोल रूम से ले लीजिए, इनका नंबर कंट्रोल रूम से ले लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर, इनका जो सवाल है इसका जवाब देते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक है ना, एक छोटा सा ब्रेक है, व्यूअर्स आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बड़ी सीरियस बात चल रही है जी, स्टे ट्यून्ड।